अपने बारे में कुछ बोलना वैसे भी मुश्किल होता है किसी भी शख्स के लिए, लेकिन अब चूंकि ये है कि भाई अपने बारे में कुछ बोले तो इसलिए वहाँ से शुरू करते हैं। मेरी पैदाइश श्रीनगर में हुई और 1950 का सन था, अगरचि सरकारी रिकॉर्ड में मेरा 1951 लिखा हुआ है किसी भी वजह से। इसके बारे में मुझे एक बड़ा एक मुज्तबा हुसैन साहब का एक कॉलम याद आ रहा है जिनमें उसने कहा था कि हर शायर के लिए और अदीब के लिए ज़रूरी है कि उसके एक से ज़्यादा तारीख़ाए पैदाइश हों ताकि कल को यूनिवर्सिटियों में जो स्कॉलर्स आते हैं उनको मौजू मिल जाए कि अयाज़ रसूल नाज़ी का असल तारीख़ पैदाइश क्या है। इस पर एक तहकीक हो और एक क्या कहें जी एक थीसिस भी हो सकती थी। बहरहाल अयाज़ रसूल नाज़ी की ना सही किसी बड़े शायर और बड़े जो अदीब लोग गुजरे हैं उनके बारे में ऐसी कंट्रोवर्सीज रही हैं। तो ये तो पैदाइश 1950-51 माने आप जो भी है। तो लेकिन बात यह है कि शायरी या अदब के साथ जो ताल्लुक़ है वो बुनियादी तौर पर सिर्फ इस वजह से था कि हमारे घर में एक माहौल था और इंशाल्लाह अब भी है जहाँ की इल्मो दानिश और शेर व अदब एक जुज़्व लायनफक था हमारी ज़िंदगी में, वो पहले से ही था। पैदाइश के होते होते ऐसा लगा कि हम उसी माहौल में पैदा हुए हैं जहाँ हज़रत मीर ग़ुलाम रसूल नाज़ की जैसी शख्सियत थी और बरादरी अकबर फ़ारूक नाज़की साहब थे जिनका अदब से और शायरी से ज़बरदस्त ताल्लुक़ था। और ज़ाहिर है कि इस माहौल में शेर व अदब के साथ दिलचस्पी पैदा होना एक फितरी और कुदरती अमल था। शायद यही वजह थी कि शेर की तरफ और अदब की तरफ मेलान था। और उसकी एक और वजह यह भी थी कि घर में हमारे उस ज़माने में हमारे बचपन या लड़कपन के ज़माने में जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं जिसमें कि आदमी ऐसा कुछ सोच सकता है और कोई रास्ता मुंतखब करता है, उस ज़माने में हमारे घर में दर्जनों रसाइल आते थे उर्दू ज़बान के। ख़ास तौर पर बहुत बड़े नाम जो थे उर्दू अदब की सहाफ़त में उस ज़माने में वो सारे रिसाले हमारे यहाँ आते थे। सबा हैदराबाद से आता था, माह नौ पाकिस्तान से भी आता था बाद में, इसी तरह आपका नया दौर है, आजकल है, सबा है और कितने नाम शबखों 60s के आते आते शबखों आने लगा। और बुनियादी तौर पर जब शबखों की शायरी मैंने देखी जो उस ज़माने में शुरू हुई शमसुर्रहमान फ़ारूकी साहब ने जब वो पर्चा निकाला तो उसमें जो लोग छपने लगे जो जदीदियत के अलम बरदार थे और हाँ उस ज़माने में तो ये पहचान नहीं थी ये जदीद कदीम वदीम जो भी है, लड़कपन का ज़माना था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये जो शायरी हो रही है जो मैं पढ़ रहा था वो तो मैं भी कर सकता हूँ, कुछ ऐसा एहसास था। और लगे हाथों मैंने जनाब वो शायरी शुरू की और नज़में लिखना शुरू की। वो आज़ाद नज़में थी, बिल्कुल रिवाज वही था, चलन वही था। तो एक दिन मैंने आई शुड हैव बीन अराउंड 16-17 ईयर्स, मैंने एक कुछ सिलेक्ट की वो नज़में जो मैंने लिखी थी और मेरे ख्याल में 5, 7, 10 जितनी भी वो थी, तो वो मैंने जनाब नकल करके शमसुर्रहमान फ़ारूकी के नाम रवाना फरमाई 313 रानी मंडी इलाहाबाद शबखों के पते पर। और कुछ ऐसा था कि बस अब शबखों में तो दूसरे शुमारे में तो आ जाएंगी, लेकिन शुमारे में क्या आती वो, लेकिन ये हुआ कि शमसुर्रहमान फ़ारूकी साहब का एक ख़त मुझे मिला। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अभी हाल ही में उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने उर्दू अदब पर और उर्दू शायरी पर इतना काम किया है, इतना काम किया है कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी। उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है कई मसाइल में, मगर उनके कंट्रीब्यूशन से कोई इनहराफ नहीं हो सकता। बहरहाल उनका जब ख़त आया, उन दिनों इनलैंड लेटर हुआ करती थी जी, इनलैंड लेटर आई, उस पर उनके 3 या 2 जुमले थे जो मुझे आज भी याद हैं। आपकी नज़में देखी, अच्छा शेर कहने की सलाहियत मौजूद है, मश्क़ सुखन जारी रखिए,
गाहे गाहे याद किया कीजिए, बरादर शम्सुर्रहमान फारूकी। तो ये जो था, ये शम्सुर्रहमान फारूकी साहब का उस ज़माने में इस तरह ख़त आ जाना, ये मेरे लिए एक अजीब सा एक क्या कहें, एक तजुर्बा था कि एक बहुत बड़े नाम, जो तब भी बहुत बड़े नाम थे, मेरी नज़में कम से कम पढ़ी थी और ये लिखा था कि अच्छा शेर कहने की सलाहियत मौजूद है। तो ये मेरे लिए एक सनद थी, एक सनद जैसी हो गई कि मैं अच्छा शेर लिख सकता हूँ, और इससे एक बहुत बड़ा इनक्रेजमेंट मिला। घर में जो माहौल था वो मैंने तज़किरा किया उसका, और ये तो नहीं था कि हम वालिद मोहतरम के सामने ऐसी गुस्ताखी करते, उनसे तो कभी इस बारे में बात भी नहीं हुई और शायद कभी उन्होंने मेरी कोई चीज़ देखी भी नहीं हो। जो लिखता गया वो छुपाता गया ताकि उनकी नज़र में ना आए। इट वॉज एन ओवरऑविंग और ओवरऑल जिसे होता आदमी, उनकी शख्सियत जो थी ना वो सामने जब थे तो ऐसा लगता था कि उसमें आदमी बिल्कुल हेच होकर रह जाता था। तो वहाँ ऐसा मतलब हूँ हाँ की बात थी, वो जब पूछते कुछ तो उसका हम जवाब देते, उनके साथ कोई डिस्कशन हम नहीं करते। इट वॉज़ नॉट पॉसिबल टू इनिशिएट ए डिस्कशन, और पर्टिकुलरली इन अर्लियर फेज जब हम छोटे थे। बाद में आते आते तो ताल्लुकात ऐसे हो गए थे कि जहाँ आप लिबर्टीज ले सकते थे, लेकिन हमारी जो लड़कपन है, जवानी है, उस दौर में तो पॉसिबल ही नहीं था। उसमें यही था कि उन्होंने कोई सवाल पूछा, आप उसका जवाब देंगे, बस उसके आगे बात नहीं जाती थी। लेकिन ये था कि उनकी जो तरबियत का सिलसिला था वो जारी था। उन्होंने कभी आपको बिठाकर नहीं कहा कि मैं तुझे शेर सिखाता हूँ, या मैं तुझे शायरी सिखाता हूँ, या मैं तुझे फ़लसफ़ा बताता हूँ, या तुझे मैं शेख सादी बताता हूँ, रूमी सुनाता हूँ, इकबाल कहता हूँ, नेवर, सवाल ही नहीं था। लेकिन क्या था, वो जो सुबह की एक मजलिस हुआ करती थी हमारे घर में, सुबह की चाय जो थी वो लाजिमन हर शख्स को जो घर में मौजूद हो, बहुत बड़ा घर था हमारा, बहुत बड़ा ख़ानदान था, भाई हम साथ थे, उसके बाद अपने दाएं बाएं कज़िन्स वज़िन, तो एक बहुत बड़ा वो चल रहा था सिलसिला वहाँ तो। लेकिन ये कंपलसरी एक मैंडेटरी एक रूटीन थी कि सुबह की चाय आप उनके कमरे में सब लोग जमा हो जाएंगे, और वो अपने उस निशस्त पर बैठे हैं, साथ में रेडियो लगा हुआ है फर्गूसन का 1950 मॉडल, वो साथ में उस पर या तो मेहदी हसन की कोई गज़ल चल रही है सुबह, या कुछ ऐसा है पाकिस्तान रेडियो से, लाहौर से या कहीं से या यहाँ से उर्दू सर्विस से, रेडियो के वो जाहिर है कि रेडियो उनका वो अपना ही घर था, और ही हैड इनॉग्रेटेड रेडियो इन कश्मीर, ही वॉज़ कनेक्टेड विद रेडियो, तो रेडियो एक लाजमी जुज था उसका। तो रेडियो पर वो चलता रहता था, तो वो अपनी नशस्त पर बैठे, उन्होंने सुबह के जो मामूलात उनकी थी मुकम्मल कर ली होती थी, नमाज के बाद कुरान शरीफ वगैरह वगैरह, तो उसके बाद चाय का समावार अंदर आ जाता था, तो ये घंटी बजती थी कि सब लोगों को शामिल हो जाना है और हाजिर हो जाना है। तो हम सब भाई वहाँ, भाई जो उसके बाद हमारी जो भाभियाँ थीं और बच्चे थे, तो सब लोग वहाँ जमा हो जाते थे। तो नाज़की साहब चाय पीते पीते वो कोई मौजू छेड़ लेते थे, किसी के बारे में ऐसे कुछ बोल देते थे। ये तरबियतें थी, ये तरबियतों के सेशंस थे, गैर महसूस तरीके पे और इनफॉर्मल टाइप एजुकेशन हम सब भाइयों की और हमारे कज़िन्स की और बाकी लोगों की, मॉरल एजुकेशन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, करंट अफेयर्स, फिलॉसफी, रिलीजन, लिटरेचर, गरज ज़िंदगी का कोई शोबा नहीं था जिस पे वो बात नहीं करते, और गैर रस्मी तौर पर बात होती थी, कोई बात चली तो बस चलती गई, और उसमें ऐसे ऐसे जौहर वो निकाल के लाते थे कि आप दंग रह जाते थे। उस वक्त तो ये समझ में ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन हमारे हाफ़िज़े में कहीं महफूज हो जाता था, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ये बातें चली जाती थी। और फिर जब आगे चलकर हमने देखा, जब थोड़े सयाने हो गए, पढ़ने लगे, कभी मतलब शायरी पढ़ने लगे या क्लासिक पढ़ने लगे, वहाँ जब पढ़ने लगे तो ये तो हमें मालूम है, ये तो एक दिन नाज़की साहब कह गए थे इस तरह, ये शेख सादी का वाक़ा है,
अब शेख साजी पढ़ते पढ़ते वो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, और इस तरह से एक जहनी और इंटेलेक्चुअल लेवल पर, दानिश्वराना लेवल पर एक आपकी तरबियत होती गई उस ज़माने में। ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसमें हम लोग दाखिल थे, दो इट वॉज़ ए वन मैन यूनिवर्सिटी, लेकिन बहुत बड़ी दानिशगाह थी और उसका कोई एंड नहीं था, देयर वॉज नो एंड टू इट, मतलब ही कुड स्पीक ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने उनसे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बातें सुनी है एक ज़माने में, और मैं हैरान रहता था कि इसको, इस शख्स को कहाँ से मालूम होता है। ही कुड टॉक अबाउट एनी थिंग, वो क्रिकेट के बारे में इतनी ज़बरदस्त जानकारी रखते थे और एनालिसिस करते थे, कहते तेंडुलकर में इस तरह ये प्रॉब्लम है, इंजमाम का ये इशू है, ही वुड टॉक अबाउट सच थिंग्स। तो ये चलता गया, तो ये हमारी जो एक बेड रॉक बना आइडियाज़ के हिसाब से, थॉट के हिसाब से जो एक बेड रॉक बना जो आगे चल के काम आया, वो वहाँ से आया। उसके बाद जवानी पहुँचते पहुँचते मैंने सीरियसली पढ़ना शुरू किया, मतलब क्लासिक्स जो आपकी उर्दू क्लासिक है, अंग्रेज़ी क्लासिक है, कश्मीरी में जितना भी था, इस सब को अब ठीक फर्दन फर्दन समझने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की। लेकिन दर्शन मैंने कहीं किसी दर्स में जाके या किसी स्कूल में जाके, किसी मदरसे में जाके अदब कभी नहीं पढ़ा, शेर कभी नहीं पढ़ा, शेर ऐसे ही पढ़ा, अपने घर में पढ़ा या ख़ुद से पढ़ा, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था। और जब प्लस टू का जो आज होता है, उन दिनों वो फर्स्ट ईयर ऑफ 3 डिग्री कोर्स होता था TDC, वो पास करने के बाद मैंने मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई किया, वहाँ मुझे दाखिला नहीं हुआ। वालिद साहब के ही कहने क्या, उन्होंने खुद ही मेरा फॉर्म भरा था वेटरनरी साइंस के लिए, और मेरा वेटरनरी साइंस में सिलेक्शन हो गया। अगरचि कोई ख़ास वो नहीं था मेलान उस तरफ, लेकिन उन्होंने मुझे इस बात पर आमादा किया कि आपको इसमें जाना चाहिए, ये बड़ा ज़बरदस्त शोबा है और ये बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशन है, तमाम पैगंबरों का प्रोफेशन है जो लाइव स्टॉक के साथ डील करना है। तो इस तरह से मैं वेटरनरी साइंस में चला गया। 1970 में मैंने एडमिशन लिया और मेरा नॉमिनेशन उस ज़माने में बहुत दूर साउथ में हुआ, तिरुपति जो मंदिरों मंदिर का शहर है, ज़बरदस्त शहर है आंध्र प्रदेश में। उन दिनों यहाँ से 10 दिन लगते थे वहाँ पहुँचते पहुँचते, बहरहाल वहाँ गए हम और वहाँ एडमिशन हुआ। वेटरनरी साइंस का कोर्स 4-5 साल का था, वो किया। उस दौरान में मगर वेटरनरी साइंस तो खैर चलता रहा, दैट वाज द पार्ट ऑफ द कोर्स जो मुझे करना था, लेकिन साथ में फारूक नाजकी ने एक ख़त लिखा था उस ज़माने में मुझे, उसमें लिखा था वेटरनरी साइंस के साथ दिल लगाना तुम्हारे बस का नहीं, तो इसके साथ दिमाग लगा, डिग्री ले और फारिग होके वापस आ जा, दिल तेरा तो अदब में उसी में रख। तो कुछ चलता रहा ये सिलसिला, और मैं वहाँ भी अच्छी खासी लाइब्रेरी थी वहाँ कॉलेज में, जिसमें वेटरनरी साइंस तो था ही था लेकिन बाकी लिटरेचर भी था और शेक्सपियर ये सब चीज़ें थी। मैं कुछ वक्त उसके साथ रहता था, उस इंटरेस्ट के साथ लिखता भी गया साथ साथ। दूसरा, वहाँ एक और बात जो साउथ में शायद, जो अब मैं रिट्रोस्पेक्ट में जब सोचता हूँ तो साउथ ने मुझे ये भी दिया कि मुझे लय और ताल का जो कॉन्सेप्ट था, मौसीकी का जो शऊर है, वो साउथ से आया। क्योंकि साउथ में आप जब भी कहीं निकलते हैं तो मंदिर में कहीं ना कहीं चलता रहता है जो कर्नाटक संगीत है और बाकी संगीत है, उस पर जो मजहबी और स्पिरिचुअल जो कंटेंट है, और वो हर वक्त गूंजता रहता था। उसमें एक ताल है, उसमें एक लय है, ज़बरदस्त ताल है। वो शायद कहीं से वो आ गया फिर, मतलब मेरे उसमें आहिस्ता आहिस्ता 4-5 साल में वहाँ रहा। और जब मैं वहाँ से वापस आया 1975 में, तो मेरे ख़्याल में मेरा पहला जो एक्सपोजर था रेडियो में, मरहूम शुजा सुल्तान, उन दिनों मेरे बहुत दोस्त, अच्छे दोस्त थे, शायर थे और बहुत बड़े मौसीकार मुसव्विर थे, बशीर शाह साहब थे रेडियो में,
और इन्होंने मुझे एक दिन बहुत मजबूर करके, नहीं नहीं तेरा एक प्रोग्राम करेंगे, तो इन्होंने मुझे यूवानी पे लगा दिया। एक मुलाकात एक सीरीज हुआ करती थी, उसमें पता नहीं शुजा ने मेरा इंटरव्यू किया और अदब के बारे में, शेर के बारे में, पता नहीं क्या 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 बड़ी बड़ी बातें थी। और वहाँ मैंने पहली बार कलाम पढ़ा रेडियो से, इसी में उस एक मुलाकात में एक दो चीज़ें मैंने वहाँ पढ़ी, मुझे याद है, गज़ल पढ़ी, एक नज़्म पढ़ी। और इस तरह से कुछ भाई लोगों को पता चल गया कि ये लड़का लिखता है और लिख सकता है। लेकिन एक फिर भी रहा, एक वो बात रही कि भाई या तो कॉन्फिडेंस नहीं था या यही वालिदे मोहतरम का एक वो जो जादू था वो आगे आने नहीं दे रहा था। और बहुत देर लगी मुझे बाद में टू मेक इट रियली पब्लिक। और वो पहला जो उस सिलसिले में ये हुआ कि मेरी पोस्टिंग 1900 हाँ 80 81 में मैं लद्दाख में था। वहाँ चूँकि आपको पता है विंटर में करने को कुछ नहीं होता था उस ज़माने में, और बड़ा सख्त विंटर हुआ करता था। तो मैंने रवा रवि में मैंने वहाँ नाज़की साहब की जो कश्मीरी रुबाइयात हैं, उन दिनों तो नमरूद नामा एक छपा हुआ था, बाकी तो बाद में आई, नमरूद नामे की कई रुबाइयात का मैंने कोशिश की अंग्रेज़ी तर्जमा करने की। थोड़ा किया थोड़ा छोड़ा, मतलब इट जस्ट बिगेन देयर, इट डिड नॉट एंड देयर। उसके बाद आगे चलते गए, ये मगर कहीं था मेरे जहन में कि ये किया जा सकता है। 1998 99 नहीं 97 96 97 98 में मैंने सीरियसली कुछ तर्जमे किए नाज़की साहब की कश्मीरी रुबाइयात, सिलेक्टेड रुबाइयात 120 या 124, उनकी 624 टोटल रुबाइयात है कश्मीरी में। तो उसमें से मैंने कोई 124 125, मतलब जो मुझे आसान लगी ट्रांसलेशन के लिए, नॉट दैट कोई और सिलेक्शन था, सिर्फ ये था कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो ये मैंने ट्रांसलेट किए। उसके बाद इनका कंप्यूटर टाइप, मैं जम्मू में था बाय द टाइम आई हैड रीच्ड जम्मू, मेरा वो एनिमल हस्बेंड्री से बाद में मैं फारिग हो गया था, मैं वहाँ गया था लुधियाने, वहाँ से मास्टर्स करके आया, फिर पीएचडी किया, तो मेरा यूनिवर्सिटी में तकरर हो गया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने में। तो अब मैं पहुंच गया था जम्मू, तो जम्मू से मैंने एक दिन वो टाइप वाइप करके उसका एक टेम्पररी बाइंडिंग करवा के मैंने श्रीनगर नाज़की साहब को भेज दिया। इट वॉज़ हिज बर्थडे, इट वॉज 16th of March 1998। तो मैंने बर्थडे पर उनको वो भेज दिया, बड़ी हिम्मत करके, ज़बरदस्त हिम्मत करके मैंने उनको वो भेज दिया, किसी के हाथ, किसी अजीज़ के हाथ जो जा रहे थे। इन्होंने मुझे दूसरे दिन फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन कहा ये तर्जमे अच्छे हो गए हैं, दीज आर हिज वर्ड्स, ये तर्जमे अच्छे हो गए बट दे आर टू लेट इन द डे फॉर मी। मैं उस वक्त ये नहीं समझ पाया कि क्यों कह रहे हैं दैट दे आर टू लेट इन द डे फॉर मी। एग्जैक्टली एक महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया 16 अप्रैल को। ये 16 मार्च की कन्वर्सेशन है जो हम बाप बेटे के दरमियान फ़ोन पे हुई, और 16 अप्रैल को वो यहाँ से गए। लेकिन ये था कि ही हैड लाइक्ड इट, उससे मुझे मेरी एक हिम्मत भी बनी। और उनकी जो पहली बरसी थी 99 में 16 अप्रैल 1999 रेडियो कश्मीर के ही ऑडिटोरियम में वो किताब रिलीज़ हुई एको के नाम से, जो मैंने बाद में उसकी इशात करवाई। और फारूक अब्दुल्ला साहब तशरीफ़ लाए थे उस दिन चीफ गेस्ट, उन्होंने वो रिलीज़ की थी। तो यहाँ से एक सिलसिला चल पड़ा, मतलब पहली किताब जो मेरी छपी है वो एको है, एट्रीब्यूट सन्स ट्रिब्यूट टू ए फादर, वेल रिसीव्ड। उस पर मुझे याद है अगेन शमसुर रहमान फारूकी साहब की बात फिर आती है यहाँ, मैंने उन्हें इसका एक नुस्खा भेज दिया इस किताब का, वहाँ से ख़त आ गया।
ख़त बड़ा ज़बरदस्त है, कई जगह शायद मैंने कोट भी किया है, पहले भी किया है। अंग्रेज़ी तर्जमा देखकर दंग रह गया, अंग्रेज़ी नक्शक से दुरुस्त, तर्जमे को और क्या चाहिए। आपके वालिदे मरहूम अल्लामा ग़ुलाम रसूल नाज़की बहुत बड़े आदमी थे, आपने उनका हक अदा किया। वरना तर्जमा देखकर तबीयत वहशत में थी कि उर्दू के बुरे अंग्रेज़ी तर्जमे देखकर बहुत तंग आ चुका हूँ वगैरह वगैरह। अच्छा, एक दूसरी बात मैं बताऊँ इसी ख़त में, मैंने उस एको किताब में कुछ ओरिजिनल दो तीन रुबाइयाँ ना उसका फ़ोटो स्टेट करके ओरिजिनल कश्मीरी भी रखी थी ऊपर और नीचे, नहीं तो उसमें सिर्फ अंग्रेज़ी है। सिर्फ नमूने के तौर पर एक दो रुबाइयात का मैंने ओरिजिनल दिया था। अब वो ओरिजिनल कश्मीरी में पढ़ के शम्सुर्रहमान फारूकी लिखता है, जो आपने असल रुबाइयात एक दो इसमें डाली हैं उनको देखकर पता चला कि रुबाइयात के अवज़ान में नहीं है, और वो है ही। नाज़की साहब की जितनी रुबाइयात कश्मीरी है वो मरा वजह जो फारसी की 24 अवज़ान है रुबाई की उसमें नहीं है, उनका ज़्यादा करीब है वो गुलरेज़ की जो बहर है, और जो लाल दद ने इस्तेमाल की है, शेखुल आलम ने इस्तेमाल की है अपने चार मिस्रों वाले कलाम में, चाहे टुख में, चाहे शुक में, चाहे वाक में। नाज़की साहब का तो वहाँ वज़न के हिसाब से तो वो उसमें जाता है, तो लोकल कश्मीरी जो उसमें ट्रेडिशन है। लेकिन शम्सुर्रहमान फारूकी की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक दूसरी ज़बान के स्क्रिप्ट से ये अखज़ किया, उर्दू में नहीं था, कोई उर्दू रुबाई के देख कर नहीं कहा कि ये रुबाई अवज़ान में नहीं, कश्मीरी ओरिजिनल पढ़ के वो कह रहे हैं कि ये मरवजा 24 अवज़ान में मुझे नहीं दिखती। सही, ये उस्ताद की नज़र ऐसी होती है।